Hey what's up guys, कैसे हो? Bang. Hey what's up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to one more video. Channel पे नए हो तो subscribe कर देना और bell icon को भी दबाना मत भूलना. दुनिया बहुत एडवांस हो गई है और दुनिया के साथ साथ रिश्ते भी एडवांस हो गए हैं और रिश्तों में ओपननेस तो बहुत आ गई है, जैसे बाप बेटा, दोस्त दोस्त और माँ बेटी, फीमेल बेस्टीज, और एक नया है ये. तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हसी सितम? अगर तुम लोगों को लग रहा है कि कितना क्यूट कपल है तो जहर खा लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये कपल नहीं माँ बेटे हैं. माँ बेटे. अबे साले, इन्हें आप माँ बेटे का रिश्ता कम स्टेप मॉमी की कैटेगरी में ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि या तो ये कंटेंट के लिए ये हरकतें करते हैं या फिर मतलब कंटेंट के लिए ही करते हैं. और अगर आपको ये नॉर्मल लग रहा है तो रुको, मेरा मतलब है पिक्चर अभी बाकी है. लो देख लो इनके प्यारे रिश्ते को. अपनी माँ को स्विमिंग ड्रेस में गोद में उठाते हुए अपने प्यारे संस्कारों का प्रदर्शन करता हुआ एक मासूम बच्चा. कंट्रोल. इसका बाप भी सोचता होगा कि काश उस रात मेरे से वो गलती ना हुई होती तो आज ये गलती ना झेलनी पड़ती. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. अब इन झाटुओं को कौन समझाए कि उस वाले प्यार में और माँ बेटे वाले प्यार में फर्क होता है. पर इज्जत और रिश्ते माँ चुदाओ व्यूज के लिए कभी गोद में उठाओ, कभी बाहों में भरो, कभी चूतर मटकाओ और बाद में कमेंट सेक्शन में लोगों से लिंक की डिमांड सुनो. नहीं, तुम मुझे बताओ कि कौन सी माँ अपने बेटे के साथ ऐसे बेस मटकाती है. कंटेंट बेशरम तो बनाता ही है, लेकिन इस हद तक ये मुझे नहीं पता था. वैसे कुछ गालियाँ सही ही बनी हैं और समझ भी गए होंगे आप. माया ओ. और ये इस माँ की हरकतें देख लो. अब बच्चे स्कूल से घर आकर होमवर्क करते हैं और इसके बच्चे घर आकर मुजरा देखते हैं. वैसे काफी मॉडर्न हो गई है दुनिया. मतलब हमारी मम्मी हमें पढ़ाने के लिए बेलन का इस्तेमाल करती थी और इसके बच्चे पढ़ ना सके इसलिए उनकी छाती पे बैठकर रील बना रही है. पीछे बच्चे पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंटी को कैसे बर्दाश्त होगा, लग गई उनके सामने ही. कैमरे के सामने टी शर्ट नीचे कर रहा है और कैमरा बंद होने के बाद, अरे कहना क्या चाहते हो? और ये देखो जरा इनकी क्या हालत हो रही है. ये इसकी मम्मी है
कौन सा बच्चा अपनी मम्मी के ऐसे पैर पकड़कर घसीटता होगा। कोई नॉर्मल बच्चा अगर ऐसे करे तो मम्मी की झाड़ू से तो स्वागत हो गई, साथ में बाप की बेल्ट से पीठ पे टैटू का नया डिजाइन बन जाएगा। माँ बेटे कम निब्बा निब्बी ज्यादा लग रहे हैं, और जब माँ ही नॉटी अमेरिका से इंस्पायर्ड हो तो बच्चे को शरारत करने में कैसी शर्म। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये हरकतें करके स्कूल किस मुंह से जाता होगा ये चिलगोजा, और ऑडियंस तो ठीक है मजे लेती है, इसका पति कैसे देखता होगा ये सब हरकतें अपनी आंखों के सामने। क्या मतलब पति ही कैमरामैन है? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कौन से मंदिर जाता था भाई, कौन सा मंत्र मारा था? इसका पति कितना शर्मीला है, अपनी ही बीवी के साथ ऐसे खड़ा है जैसे पड़ोसी की बीवी हो, और बेटा पूरा बेशरम माँ के साथ भी ऐसे रील्स बनाता है जैसे इसकी स्कूल की गर्लफ्रेंड हो। कुड़िया नहीं बुढ़िया कहती होंगी मोहल्ले की, हाय रब्बा मर जाऊं मैं तो, अभी ठीक से उसके प्यूबर्टी के दाने भी नहीं निकले मुंह पे और आंटी ने स्टड बना दिया, और ये इसको पोल समझकर पोल डांसर की तरह टांग के उठा रही है। फिर कहेगी कि लोगों की सोच खराब है, लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, नहीं आपकी तरफ से तो परम शुद्ध संस्कारी कंटेंट मिल रहा है ना। काम ऐसा करो कि 4 लोग क्या 400 लोग कंफ्यूज हो जाए इस माँ बेटे के रिश्ते में। खड़े लोग भी सोच रहे होंगे कितना क्यूट कपल है, कितना प्यार है दोनों में। अब उन लोगों को भी कौन समझाए कि ये कपल नहीं माँ बेटे हैं, ये तो बजरंग दल वालों को भी कंफ्यूज कर देंगे, सही में इनको शादी भी नहीं करवा पाएंगे वो। कंटेंट ऐसा बनाओ कि माँ बेटे के रिश्ते को हर वीडियो में हाईलाइट करना पड़े। Hey guys, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसे माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम ना करें। गाइस, मैंने इन्हें पैदा किया है, मैंने जन्म दिया है, क्या ये मुझे हग नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते? गाइस, बच्चे तो मेरे बहुत इनोसेंट है, मेरे घर का माहौल बहुत साफ सुथरा है। आपका क्या नज़रिया है, आप लोग क्या देखते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, तो आप प्लीज़ हमें गलत ना बोलें, हमारे माँ बेटे के रिश्ते को बदनाम ना करें गाइस प्लीज़। हमारी गलती है मतलब सारी, समझे? मतलब हमारी गलती है, सोच हमारी खराब है, हमारे दिमागों में हवस भरी पड़ी है, शाबाश, हम चूतियां हैं, सही बात है। हाँ आंटी जी, आप एकदम सही कह रही हो, माँ बेटे हक किस तरह जो आप कहो सब कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे भी रुक कहाँ रहे हो? और चाहे आपकी कितनी भी प्योर इंटेंशन हो, अगर कैमरे के सामने आप लिमिट से बाहर जा रहे हो तो ऑडियंस किसी की भी सगी नहीं होती। क्या कहूँ अब बंद कर यार कैमरा, बंद कर भाई। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बहुत बकचोदी हो गई, मेरी समझ से बाहर है इनका रिश्ता, हो सकता है आपकी भी समझ से बाहर ही हो, तो अपने दिमाग पर मत लेना और किसी को हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और बकचोदी के साथ।